भाई साहब ये सीट महिलाओं के लिए। तो हम किसके लिए हैं? हैं? क्या? हाँ अब बैठिए ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। क्या बात है, अरे कब से तेरी लैला बुला रही है, बैठा क्यों नहीं बाजू में? ए, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अभी संजान लड़की के पास में बैठ जाता और फिर तुम लोग पूरे गांव में झूठ मूठ की कहानी फैला देते, मेरा और इसका कोई चक्कर चल रहा है। बात करते हैं। ए, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या कि मैं मूर्ख हूँ? अरे पूरे गांव को मालूम है तुम दोनों की लव स्टोरी के बारे में। चले, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा ना। सुन बे, तू बुरा नहीं माना तो एक बात पूछो क्या? अरे अपना समझ के पूछ रहा हूँ यार, वैसे कहाँ उड़ने का इरादा है तुम दोनों का? ये खाकी पहना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्या है वो क्या है पूछता रहे। तू कंडक्टर है, इंस्पेक्टर नहीं। अबे तुम दोनों ने एक ही जगह की टिकट कटवाई है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अनजान बनता है, बात करता है। अरे कहीं भी जाओ, मुझे क्या है, जहन्नुम में जाओ जहन्नुम में। कुछ करना। अब मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, बस में खड़े खड़े हमेशा मुझे उल्टी हो जाती है। प्लीज मुझे खिड़की वाली सीट दे देना, नहीं तो मैं यही कर दूंगा। खिड़की वाली नहीं है, लड़की वाली है, तुझे मैंने पहले ही कहा था ना। अरे क्या आदमी है यार, अब ठीक लग रहा है। थैंक यू भाभी जी। भाभी जी तू बस से उतर, तेरे को दिखाती हूँ। अरे मुश्किल में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तू थोड़ी देर के लिए इस बकरी को देवर बना लेना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। अभी तो इतना डर के बैठ रहे हो, लेकिन जब बाबा का धागा बांध के तुम लौटोगे ना, तब तो बड़ी हिम्मत से मेरे पास ही बैठोगे, मुझे तो पूरा भरोसा है। अब कृपया चलती बस में लड़कों को ना छेड़े। छेड़े नहीं, चलती बस में लड़कों को ना छोड़े। अरे बात उल्टी है या सीधी, सबको पता है।